प्रणाम दोस्तों, हनुमान चालीसा के वीडियो की सीरीज में आज हम बात करेंगे 24वीं चौपाई के बारे में, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जहाँ जहाँ भी हनुमान जी के नाम का कीर्तन किया जाता है, जहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, जहाँ पर हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहाँ पर भूत पिशाच चुड़ैल ये सब भटकते भी नहीं हैं। तो आइए भाव और भीतर से इस चौपाई को गुनगुना लेते हैं। जिस किसी को भी ऐसा लगता है या बाहर की हवा का अनुभव होता है, उनको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और ये चौपाई बार बार गुनगुनाना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, इस चौपाई में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। भूत हमारे यहाँ पर कल्पना की जाती है बिना शरीर वाला, जो कि किसी को परेशान करता है शरीर वाले को। हमारे यहाँ गांव में कहा भी जाता है कि बाहरी हवा की चपेट में आ गया है ना, हवा लग गई। तो हवा यानी कि वही कोई आत्मा किसी को परेशान कर रही है, ऐसा कहा जाता है। हमारे जीवन का ऐसा अनुभव नहीं है इसलिए मैं आपको खुल के नहीं बता सकता, लेकिन कई हनुमान जी के मंदिरों में हमने ऐसा देखा है कि कुछ लोग अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं और पागलों की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हनुमान जी के यहाँ पर कुछ मंगलवार तक रहने के बाद वो लोग ठीक हो जाते हैं, फिर से घर आ जाते हैं अच्छे होकर। ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है, इसलिए देखी हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो भूत पिशाच, अब पिशाच किसे कहते हैं? पहले कहा जाता है कि काल्पनिक प्राणी था जो कि खून चूसता था, उसको पिशाच कहते थे। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के शरीर से पोषण लेता था, उनका खून चूसता था, उसको कहते हैं पिशाच। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ऐसा आप कहीं देखते भी हो तो जरूर सलाह दीजिएगा कि हनुमान जी के ऐसे कई मंदिर भी हैं जहां पर, और अभी बागेश्वर धाम कितना फेमस हो गया ना, चल ही रहा है, वहां पर कितने लोगों को कष्ट से निजात मिल रहा है। तो ऐसी जगह पर हनुमान जी जहां पर कई लोगों के कष्टों का निवारण कर रहे हैं, ऐसी जगह पर जरूर जाना चाहिए, जो लोग भी ऐसी हवाओं से प्रभावित हैं उनके लिए, है ना। नहीं है तो घर पर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और आनंद से रहिए, है ना। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ जहाँ पर भी हनुमान जी के नाम का पाठ किया जाता है या प्रभु श्री राम जी के नाम का पाठ किया जाता है, वहाँ पर कभी भी ऐसी बाहरी हवाओं का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को भूत प्रेत या जो भी होते हैं इनसे निजात मिल सके। तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और इस चौपाई को जरूर गुनगुनाइए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज हम इसका अर्थ युवा ऐसे लगा सकते हैं कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हट जाती है। तो यही अर्थ आप और हम सब लगा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।